नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित चौहान। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है गलत और फर्जी चालान के बारे में। आजकल ई चालान का जमाना चल रहा है, जगह जगह पे कैमरे लगे हुए आपकी बाइक या गाड़ी का फोटो खींचता है और आपके फोन पर चालान आ जाता है। मगर कई बार ऐसा होता है कि आपने हेलमेट पहना हुआ है और उस चालान की फोटो में भी दिखाई दे रहा है कि आपने हेलमेट पहना हुआ है, मगर फिर भी आपका चालान कट जाता है। या फिर गाड़ी किसी और व्यक्ति की है और चालान आपकी गाड़ी के नंबर पे आ रहा है। या फिर आप रेड लाइट पे खड़े हुए थे मगर आपका चालान आ गया कि आपने रेड लाइट जंप करी है। तो ये होते हैं हमारे फर्जी और चलान। तो आज हम इन्हीं फर्जी चलान के बारे में बात करेंगे कि इनको फ्री में कैसे खत्म कराया जाता है और उसका क्या प्रोसीजर है। वीडियो में चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी जानकारी भरी वीडियो लेके आता रहता हूं। इन गलत ट्रैफिक चलान की कंप्लेंट करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है ecalan.parivahan.gov.in पर, और आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी और वहां पे आपको एक कंप्लेंट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आपको उस पे क्लिक करना है और आपके सामने सिस्टम का एक फॉर्म खुलेगा। वहां पे आपको गलत चलान की सारी जानकारी भरनी है। जैसे पहला है नेम, वहां पे आपको जिसके नाम पे गाड़ी है उसका नेम फिल करना है, और फिर वहां पे आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, रजिस्टर ईमेल आईडी डालनी है, और चलान का नंबर डालना है, और व्हीकल नंबर या फिर डीएल नंबर आपको डालना है। और फिर आपको वहां पे चलान का स्टेट नजर आएगा, वहां पे आपका जिस राज्य में आपका चलान कटा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कटा है तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली में कटा तो दिल्ली में, वहां पे आपको डालना है। और फिर उसके बाद आपको चालान की सिटी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि जिस सिटी में आपका चालान कटा है, जिस जिले में आपका चालान कटा है वहां पे आपको सेलेक्ट करना है। और वहां पे आपको चालान लोकेशन भी नजर आएगा, तो वहां पे आपका जो लोकेशन है वो आपको लोकेशन फिल करना है। और फिर उसके बाद आपको चालान का इशू सेलेक्ट करना है, जैसे कि पेमेंट इशू है, रॉन्ग इमेज है, ऑफेंस नॉट शोइंग है, या डॉक्यूमेंट इंपाउंड है, या फिर आपने चालान की पेमेंट कर दी और वहां पे आपको फिर भी पेंडिंग दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में आप चालान ऑलरेडी पे बट पेंडिंग इन वाहन सर्विस को सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर कोई और इशू है तो वहां पे आपको अदर सेलेक्ट करना है। वैसे ज्यादातर केसेस में ऑफेंस नॉट शोइंग होता है कि जहां पे आपका अपराध दिखाई नहीं दे रहा मगर फिर भी आपका चालान कट गया, या फिर आपका जो भी इशू है आपको उसको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद ऑप्शन होगा डिस्क्राइब योर इशू को, तो वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से अपने इशू को डिस्क्राइब करना है, लिखना है। और उसके बाद आपको वहां पे चूज फाइल का ऑप्शन नजर आएगा, वहां पे आपको जो ट्रैफिक चालान का जो फोटो है वहां पे उसको अपलोड करना है और आपको कैप्चा डाल के सबमिट करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो आपको ओटीपी वहां पे डालना है और दोबारा आपको सबमिट करना है। और उसके बाद आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी और आपके सामने एक ई टिकट नंबर आ जाएगा, जिससे आप फ्यूचर में उस चालान का स्टेटस जान सकते हो और आपका जो चालान है वो फ्री में खत्म हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।